नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल इस समय लगभग 18 से 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपकी धान की फसल में फुटाव अच्छे से नहीं हो रहा है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं और आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही है और साथ ही साथ आपके जो धान की फसल है उसके अंदर पीलापन है और धान की फसल में पत्ता लपेट, तनाछेदक या किसी प्रकार के भी कीट लगे हैं, दीमक लगी है और आपने अपने धान की फसल में कुछ खादों का प्रयोग कर लिया है, कुछ दवाइयां लगा ली हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, फुटाव नहीं हुआ है, पीलापन नहीं हटा है या आपकी फसल में जो लगे हुए कीट है जैसे तना छेदक है, पत्ता लपेट है, वो नहीं रुके हैं, तो किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगा, ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगा और ऐसी दवाइयां बताऊंगा जिन्हें डालने के बाद में आपकी जो धान की फसल है उसमें फुटाव ज्यादा होगा, कल्ले अधिक निकलेंगे और आपकी जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगी। और साथ ही साथ किसान भाइयों, आपकी फसल में जो कीट लगे हैं, तना छेदक है, पत्ता लपेट है या कोई सा भी कीट है, वो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल लगभग 18 से 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपकी धान की फसल में ग्रोथ नहीं निकली है, कल्ले नहीं निकले हैं और फसल में पीलापन है, साथ ही साथ फसल के अंदर जो तना छेदक है या दीमक की समस्या है या सुंडी की समस्या है या पत्ता लपेट की समस्या है, ये बीमारियां आ गई हैं, तो आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आपके धान की फसल कमजोर है, उसमें कल्ले नहीं निकले हैं, फुटाव नहीं हुआ है, तो आप किसान भाइयों इस खाद का प्रयोग लगभग 18 से 40 दिन तक की फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये केवल फायदा देता है, आपको कोई नुकसान नहीं देगा किसान भाइयों। और किसान भाई, इस खाद के अंदर जो मैं आपको दवाई लगवाऊंगा या दवाई डलवाऊंगा वो आपकी धान की फसल में जो तना छेदक है, पत्ता लपेट है, आपने देखा होगा आपकी जो धान की फसल है जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से किसान भाइयों आपकी धान की फसल में जो सिंगल पत्ती होती है सूख जाती है, यानी पूरा पौधा हरा होता है और सिंगल पत्ती सूख जाती है, ये हमारी धान की फसल में होती है तना छेदक या सुंडी, ये इतनी खतरनाक होती है किसान भाइयों, जिस पौधों को ये काट देती है उस पौधे के अंदर कभी भी बाल नहीं आती किसान भाइयों। और इसका जो भारी प्रकोप होता है किसान भाइयों वो हमें जब दिखाई देता है जब हमारे धान की फसल में बालियां निकलती हैं और बालियां सफेद निकलती हैं। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में जो सबसे गंभीर समस्या है, सबसे गंभीर बीमारी है, ये बीमारी है तना छेदक और पत्ता लपेट की, क्योंकि इस समय धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट बहुत तेजी से आए हैं और काफी किसान भाई इसके अंदर बहुत सारी दवाइयां लगा चुके हैं परंतु उनकी धान की फसल से अभी तक भी ये बीमारी कवर नहीं हुई है किसान भाइयों। तो मैं इसके लिए भी आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, यदि आप उसे एक बार लगा देते हैं तो आपके धान की फसल में दोबारा तना छेदक, पत्ता लपेट या सुंडी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो इसका प्रयोग किसान भाइयों आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है और बहुत ही समय से करना है। यदि आपकी धान की फसल 18 दिन के आसपास की हो गई है तो आप तुरंत इसका प्रयोग जरूर कर ले किसान भाइयों, तो आपकी फसल बीमारी से बचेगी और आपकी फसल में ग्रोथ फुटाव भी होगा किसान भाइयों, और आपकी फसल की ग्रोथ भी बहुत शानदार रहेगी जिससे आपको अपने धान की फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो खाद लेकर आनी है, तो आपको लगभग 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लेकर आनी है नाइट्रोजन यानी यूरिया लेकर आना है। दूसरा किसान भाई, इसके साथ आपको ऐड करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको सूखा वाला लेना है जो पाउडर के रूप में आता है, राख की तरह काला वाला। और तीसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों थाई मिथोक्सम 25% वाला जो समयों के रूप में आता है, दाने के रूप में आता है, इसको आपको लेना है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों फर्टेरा, जो FMC कंपनी का आता है, फर्टेरा है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आजकल बहुत कंपनियां दे रही हैं लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए। फर्टेरे के अंदर यदि हम टेक्निकली की बात करें तो इसके अंदर क्लोरेंटा लिलीप्रोल 0.4% GR में होता है किसान भाइयों, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। ये सभी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में फेंक देना, बखेर देना, और बखेरने के बाद किसान भाइयों यदि फसल में पानी भरा है तो सिंचाई ना करें, यदि पानी नहीं भरा है तो आप अपने धान की फसल की हल्की सिंचाई कर दें, सिंचाई ज्यादा ना करें, हल्की करें। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो पानी निकलने का खतरा रहता है, और दूसरा यदि आप ज्यादा पानी भरेंगे तो ये दवाई बहकर नीचे चली जाएगी यानी जमीन के अंदर चली जाएगी, जिससे आपकी धान की फसल को लगभग 30 से 35% ही मिल पाएगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब आप अपने धान की सिंचाई करें तो उसमें लगभग 2-2.5 इंच पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी ना भरे किसान भाइयों।
और अगली सिंचाई जो आपको करनी है किसान भाइयों, लगभग 3 से 4 दिन के बाद करनी है, यानी लगातार पानी नहीं देना, आपको बीच में गैप देना थोड़ा सा 3-4 दिन का, उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। तो इन खादों को किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में लगा सकते हैं, जिससे हमारे धान की फसल एकदम स्वस्थ रहेगी। और जब हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, फुटाप भी अच्छा होगा और फसल भी हरी भरी रहेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में 18 दिन के बाद इस खाद को डाल सकते हैं और अपने धान की फसल से रोगों को भगा सकते हैं, फुटाप को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और धान की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। और आगे जाकर आप अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।